यमुनापार के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल का दिखा मिला जुला असर। कई अस्पतालों में ओपीडी सेवा रही बंद, कई अस्पतालों में डॉक्टर्स ने दी सेवाएं। दिल्ली में 200 यूनिट तक नहीं आएगा बिजली का बिल। पूर्व दिल्ली की जनता नहीं हुई सहमत, कहा चुनाव के समय गुमराह कर रहे हैं सीएम केजरीवाल। बिना लाइसेंस के पूर्व दिल्ली में खुली है मीट शॉप, पार्षदों ने की अवैध मीट शॉप पर कार्रवाई की मांग, विपक्ष ने संबंधित विभाग की पावर बढ़ाने की भी रखी मांग। पटपड़गंज में दिन दहाड़े दिया बदमाशों ने लूट की वारदात को अंजाम, युवक से लूटे 5 लाख रुपए, बैंक से पैसे लेकर लौट रहा था युवक। और जुर्माना भरने से नियमों के उल्लंघन होंगे या नहीं, पूर्व दिल्ली की जनता की मिलीजुली प्रतिक्रिया आई सामने, नियम तोड़ने पर 10 गुना तक का है जुर्माना। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सीसीएन में, मैं हूं आपके साथ सुनील चौहान। अब होते हैं रूबरू पूर्व दिल्ली की अहम खबरों के साथ। यमुना पार के अस्पतालों में डॉक्टर्स की हड़ताल का मिला जुला असर देखने को मिला है। पूर्व दिल्ली के चाचा नेहरू बाल चिकित्सालय में हड़ताल के समर्थन में मेन गेट पर ताला लगा हुआ दिखाई दिया। जीटीबी अस्पताल में डॉक्टर्स ने काली पट्टी बांधकर हड़ताल का समर्थन किया। इस दौरान यहां ओपीडी और इमरजेंसी सेवाएं बंद रहीं। वहीं दूसरी ओर स्वामी दयानंद अस्पताल, हेडगेवार अस्पताल समेत राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स में डॉक्टर की सेवाओं पर कोई असर दिखाई नहीं दिया। यहाँ अस्पताल में इलाज कराने आए मरीजों को डॉक्टर समय पर मिले, दवाइयां सुचारू रूप से मिली, हड़ताल का किसी तरह का कोई असर नहीं दिखाई दिया। गौरतलब है कि नेशनल मेडिकल काउंसिल बिल 2019 के विरोध में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन यानी कि आईएमए ने देशव्यापी हड़ताल की घोषणा की हुई है। बैठे तो हैं पर काम नहीं हो रहा है, कह रहे हैं हड़ताल है, किसी किसी का कोई पर्चा बनना, वैसे सबको मना ही कर रहे हैं कि आज हड़ताल है। दिक्कत पर पब्लिक परेशान नहीं हो रही है, जब इलाज नहीं हो रहा, कोई मर रहा है, कोई बच रहा है, कोई टूट रहा है, कोई फूट रहा है, जब इलाज नहीं होगा तो परेशानी रहेगी पब्लिक। तो न मरीज दर्द में तड़प रहे हैं, यहाँ पड़े हैं अस्पतालों, कौन आवे गरीब आदमी, और गरीब आदमी को तुम देखो ना, उनके डॉक्टरों की तनख्वाह रोक रोक कर रख लो। शनिवार तक के बता रहे हैं, जब तक हमारी मरीज मर जाएगा तो उनके सरकार किस लिए बनाया गया। ओपीडी भी बंद कर रखा है, ना रिपोर्ट दे रहे हैं, ना कुछ जांचे कर रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे हैं, सब बंद कर रखा है, रिपोर्टें भी नहीं दे रहे हैं। ये आज सुबह से ही बंद कर रखा है, मतलब कल 1 बजे से बंद कर रखा है, और आज तो खोला ही नहीं है बिल्कुल। पहले के अनाउंसमेंट किया गया था बंद होने के लिए, ओपीडी सेक्शन के पहले अनाउंसमेंट करते पेपर के 2 दिन पहले बंद किए, ये स्ट्राइक होगी पेशेंट या और कहीं जा सकते, पब्लिक ना परेशान हो ना, ओपीडी या इमरजेंसी डिपार्टमेंट सारे बंद पड़े, अचानक बंद कर देने से सबको दिक्कत है। हॉस्पिटल में दिक्कत ये हो रही है कि हमारे मरीज को देखा नहीं जा रहा, और डॉक्टर नहीं है, कह रहे कि हड़ताल है, सब लोगों को बहुत परेशानी हो रही है। क्या करेंगे अब, क्योंकि डॉक्टर तो देख नहीं रहे हैं, हड़ताल है, बंद है अस्पताल, बस वेट करना पड़ेगा। जान रही नहीं, अंदर नहीं जान रहे। कब से आए हुए आप यहाँ? मगर 2 घंटा हुए। तो गार्ड ही रोक रहे हैं बाहर, मना किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्या कह रहे हैं? मगर हड़ताल है, कह रहा हड़ताल है, कोई काम होगी ना, तो आप वापस लौट रहे हैं? हाँ, क्या करूँ, फिर यहाँ बैठ के। किसी डॉक्टर से बात की है? कभी सूचना थी आपको इससे पहले कि हड़ताल है आज? कुछ भी नहीं पता था, मैं इतने दूर से कि मेरे 200 रुपये किराया लगता है। प्रेगनेंसी की प्रॉब्लम थी तो हम आए थे, फिर कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ सही हुआ, गुड़े हाँ, सब कुछ सही, कोई दिक्कत को परेशानी नहीं हुई। या उधर हैं प्राइवेट में शिफ्ट कर दिया हमने वाइफ को, तो गुड़िया हुई थी, तो सबको इलाज सब कुछ सही, कोई दिक्कत, हाँ कोई दिक्कत परेशानी नहीं, कोई परेशानी। हाँ जी, डॉक्टर तो बैठे हैं फिलहाल। हाँ जी, हड़ताल का कोई असर देखने को मिला है? हमें तो कोई महसूस नहीं हुआ यहाँ पे, यहाँ पे तो कोई हड़ताल हुई नहीं है ना, सब चालू है, इमरजेंसी भी चालू, बेड भी चालू है, दवाइयाँ टाइम से लिख रहे हैं, कोई यहाँ पर ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई हड़ताल नहीं है, सारी दवाइयाँ अवेलेबल है, और सभी तसल्ली बख्श काम किया जा रहा है, कोई किसी की परेशानी नहीं है, कोई किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, बाकी यहाँ थोड़ी बहुत कंप्यूटर में खराबी है। नहीं, जो नेशनल मेडिकल कमीशन बिल अभी लोकसभा से पास हुआ है, उसमें कुछ लोगों को कुछ संशय है, या उसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे कुछ क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, लेकिन अभी तो बहुत लंबी बात है, अभी वो बिल जो है राज्यसभा में जाएगा, उससे पहले भी उसमें अमेंडमेंट्स हो सकते हैं,
और उसके बाद में फिर वो पास होगा, उस पर राष्ट्रपति जी की मोहर लगेगी। लेकिन अभी हड़ताल करने के लोग कहाँ पे कर रहे हैं, इस अस्पताल में तो ऐसी कोई सुख बुघाट नहीं है, यहाँ कोई हड़ताल नहीं, नहीं इस बिल के विषय में कोई चर्चा ही नहीं हुई है अभी तक कहीं पे भी। इस बिल में मुझे लगता है कि जो डॉक्टर यहाँ कार्यरत हैं उनसे हमारी बातचीत में ऐसा तो कोई विषय आया नहीं है कि वो कोई हड़ताल करनी हो या कोई एक बिंदु हो कि किस बिंदु पे वो हड़ताल करना चाहते हैं। जो भी बातें हैं वो सोशल मीडिया के माध्यम से अब कुछ कुछ चीज़ें उसमें आ रही हैं, लेकिन जो एक्चुअल बिल की ड्राफ्ट कॉपी है उसको लोग पढ़ें और पढ़ने के बाद में फिर उसमें अगर कोई आपत्तियाँ हैं तब फिर हड़ताल की बात आती है, उसमें भी पहले बात होए। लेकिन पता नहीं कहाँ हड़ताल है, इस अस्पताल में कोई हड़ताल नहीं। केजरीवाल सरकार ने दिल्ली में 200 यूनिट तक बिजली का इस्तेमाल करने वालों के बिजली के बिल माफ करने का ऐलान किया है, लेकिन पूर्वी दिल्ली की जनता इससे संतुष्ट नजर नहीं आई है। जनता का कहना है कि ये चुनावी स्टंट है, पिछले 4.5 साल में तो कटौती नहीं की गई बल्कि हमसे लोड चार्ज वसूला गया है। वहीं पूर्वी दिल्ली के बीजेपी नेता ये कहते नजर आए कि केजरीवाल को जमीन खिसकती हुई नजर आ रही है, इसलिए इस तरह की घोषणाएं कर रहे हैं। हालांकि आप नेता इसे जनता के लिए ऐतिहासिक फैसला करार देते हुए नजर आए। हाँ, असल में क्या है कि इन्होंने चुनाव को देखते हुए ही तो ये किया है। अब जब चुनाव खत्म हो जाएंगे उसके बाद फिर ये कोई फिक्स चार्जेज और कुछ किसी नाम से, डेवलपमेंट चार्ज के नाम से या इंस्टॉलेशन चार्ज के नाम से फिर कुछ ना कुछ चीजें ले आएंगे। नहीं, फ्री कुछ नहीं है। फ्री किसको जरूरत है दिल्ली के अंदर फ्री की? मेजोरिटी ऑफ द पीपल आर टैक्स पेयर। तो जब टैक्स पेयर है दिल्ली के अंदर इतना ज़्यादा तो आप उसको फ्री क्यों कर रहे हैं? आप उसको करना तो रिड्यूस कीजिए ना रेट को। फ्री करके क्या होता? आपने कहा पानी ये 700 लीटर पानी बैठेगा फ्री है, 20 लीटर पानी फ्री है, उसके बाद किसी का 20 लीटर पानी होगा, उसको तो 20 लीटर तक का पूरा बिल देना पड़ता है ना उसको तो। नहीं, मुझे लगता है कि ये फ्री तो कर दिए हैं लेकिन ये दिल्ली वालों को एक मीठी गोली देने के बराबर है। जैसे कि छोटे बच्चे को लॉलीपॉप दे करके उसको बहला दिया जाता है कि हाँ जी अब ये ठीक है, इसी में खुश रहो। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि जैसे दिल्ली का माहौल है, दिल्ली का एनवायरनमेंट है, वो इतना ज़्यादा ख़राब और इतना ज़्यादा गर्मी वाला है कि बिना एसी के आदमी यहाँ पे रह नहीं सकता। छोटे छोटे घरों में इवन जो हम कहें किराएदार हैं वो भी एसी ज़रूर लगाते हैं। तो 200 यूनिट तक फ्री है, 200 के बाद वो तुरंत उसको डबल कर रहे हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सबकी 200 यूनिट ही आने वाली है, और मुझे नहीं लगता कि 200 से यूनिट कम किसी की आने वाली है, 200 से पार ही होने वाली है। जो 200 से पार होगी तो जो 200 यूनिट का चार्ज हम दे रहे थे उसे डबल चार्ज हम ऊपर देने वाले हैं उसका। इस 4.5 साल में दिल्ली की जनता को बिजली और पानी के नाम पर इस केजरीवाल ने ठगा है, आज उसको अपनी जमीन खिसकती देख रही है। तो ये फ्री का सगुफा छोड़ने वाला, महिलाओं को ट्रेन में यात्रा कराने वाला और बुज़ुर्गों को धार्मिक स्थानों पर यात्रा कराने के ऐसे नौटंकी करके दिल्ली की जनता को फिर गुमराह करना चाहता है। कोई फ्री नहीं है, कुछ नहीं है, ये सब ढकोसलेबाजी है, ड्रामेबाजी है। 66 से 67% लोग दिल्ली के अंदर ऐसे हैं जो 200 यूनिट के अंदर फूकते हैं। तो जिस तरह से पानी के बिल को अरविंद केजरीवाल जी ने माफ़ किया, आज उसी तरह से एक ऐतिहासिक फैसला लेते हुए दिल्ली की जनता के लिए 200 यूनिट तक बिजली के बिल को पूरी तरह माफ कर दिया, अब जीरो बिल आया करेगा। वहीं पूर्वी दिल्ली के नेताओं ने बिजली के फिक्स रेट कम किए जाने पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है, जहां एक ओर आप नेता इसे दिल्ली सरकार के एक बड़ी उपलब्धि करार दे रहे हैं, वहीं बीजेपी नेता ने इसको चुनावी स्टंट करार दिया है। जो दिल्ली के जो रेट थे ये BSES वालों ने बढ़ाए थे, हमारे लाख मना करने के बावजूद तब हमने जो बिजली के जो यूनिट थे उसके अंदर 1-1 रुपए की कम की थी ताकि लोगों का पूरा बिल ज़्यादा ना आए। लेकिन उसके बावजूद भी हम उससे पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। अब इस वक्त हमने रेट इसे बहुत अच्छे से कम कर दिया है, सारी जगह इसके स्वागत किया जा रहा है, सब लोग इस रेट कम होने से बहुत खुश हैं। जो रेट बढ़ाए गए थे वो हमने नहीं बढ़ाए थे, वो सेंटर के द्वारा बढ़ाए गए थे, उसको हमने तब भी कम करने की कोशिश की लेकिन तब नहीं कम हो सके। इस वक्त इस बार हम इस कम करने में सफल हो गए। तो अगर देखिए लोगों के काम करेंगे तो आप इसे पॉलिटिकल कह दीजिए या जो भी कहिएगा, इसका जो लाभ है, लाभ तो इसका मिलेगा ही। अगर हम इतनी सारी योजनाएं लेके आ रहे हैं, चाहे पानी के रेट से ले लें, बिजली के रेट से ले लें,
स्कूलों की हालत के बारे में देख लें, स्वास्थ्य के बारे में देख लें, सारे टेस्ट फ्री कराने की बात देख लें, ऑपरेशन की बात देख लें, और अब तीर्थ यात्रा की बात देख लें, जो डोर स्टेप डिलीवरी के अंदर 40 सर्विस और ऐड कर दी गई वो देख लें, CCTV कैमरे लगाने की बात देख लें, तो दिल्ली में चाहे कोई माने या ना माने काम हो रहा है। देखिए, 2 चालाक लोगों के बीच में जनता फंसी हुई है। दिल्ली सरकार चालाकियों से काम लेती है, असल में जनता कहीं नहीं करती, केजरीवाल केवल टैक्टिक्स करते हैं। और उधर वो प्राइवेट कंपनी है जिसको 16% प्रॉफिट मिलना तो फिक्स ही है, और वो हर चालबाजी में रेवेन्यू अपना बढ़ा लेते हैं। अखबारों में और मीडिया में कुछ भी छप रहा हो कि उन्होंने अपनी बढ़ी हुई दरें वापस ली हैं, पहले उन्होंने बेतहाशा बढ़ाई और अब वापस लेकर जनता पर एहसान किया, और वो भी केजरीवाल सरकार तब जागी जब पूरा विपक्ष, पूरी भारतीय जनता पार्टी और पूरी जनता ने आवाज़ उठाई कि ये दूसरे कोने से लूट हो रही है। देखिए, एक तरफ यूनिट वाइज होता है टैरिफ, जब कम यूनिट लगते हैं तो कम बिल लगता है, जब ज़्यादा यूनिट होते हैं तो यूनिट महंगे होते जाते हैं, लेकिन फिक्स चार्ज की आड़ में कम बिजली के बिल वाले को भी ज़्यादा पैसा देना पड़ता है, क्योंकि वो फिक्स वाला चार्ज गरीब आदमी को भी देना पड़ता है। अब सरकार चेती है तो थोड़े थोड़े रेट पुरानी तरफ लाते हुए उन्होंने फिर से बिजली के रेट जो 1200 यूनिट से ऊपर हैं उनके बढ़ा दिए हैं। आप अगर टोटल अभी पूरी बैलेंस शीट चेक करिएगा, कंपनियों का अभी भी प्रॉफिट बढ़ा है। वो इनडायरेक्टली एक तरफ से अगर 100 करोड़ रुपए का डिस्काउंट देती हैं तो दूसरी पॉकेट से 200 करोड़ ले लेती हैं, और जनता में ये भ्रम फैलता है कि बड़ी राहत मिल गई। और एक व्यापारी को, एक सज्जन को, एक गरीब को देने का दूसरे मध्यम वर्गीय की जेब से निकाल लेना, गवर्नमेंट की सब्सिडी देकर गवर्नमेंट के पैसे को, टैक्स पेयर मनी को लुटा देना, केजरीवाल जी ये हाथ से ठीक नहीं है। असल में राहत दीजिए, दिल्ली का विकास कीजिए, गरीबों का भला कीजिए। पूर्वी दिल्ली में बगैर लाइसेंस के धड़ल्ले से मीट की दुकानें चल रही हैं। ऐसे दुकानदार ना तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम का पालन कर रहे हैं और ना ही अतिक्रमण का। दुकान के आसपास साफ सफाई का ध्यान भी नहीं रख रहे हैं। इससे मांस खाने के शौकीन लोगों की सेहत बिगड़ने का अंदेशा हर समय बना रहता है। वहीं राहगीर भी दुर्गंध से परेशान रहते हैं। इसको लेकर स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग में पक्ष विपक्ष के नेताओं ने अवैध मीट शॉप पर कार्रवाई करने की मांग की है। विपक्ष ने अवैध मीट शॉप पर कार्रवाई करने वाले डिपार्टमेंट की पावर बढ़ाने की भी मांग की है। इसका मुद्दा बहुत पुराना है और इस पे हम संज्ञान भी लेते रहते हैं, और ख़ासकर अब जब 3 जो हमारे अधिकारी हैं, एक मेयर और मैं स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन के नाते और नेता सदन जी, हम तीनों के राउंड वार्डों में चल रहे हैं, इसमें पक्ष और विपक्ष के सभी वार्डों में, तो वहाँ भी हम खुद अपने आँखों से देख रहे हैं कि बहुत सारी ऐसी जगह जहाँ ये अवैध काम चल रहा है, और इसके लिए अधिकारियों को जो है अब आपके सामने ही 10-15 दिन का समय दिया है कि इसमें हर विभाग, हर वार्ड के अंदर वो जगह सारी चिन्हित करे, उनकी सूची बनाए, और उसमें जो जो कर्मचारियों की कितनी कमी है, क्या ट्रक चाहिए, क्या रिसोर्सेज चाहिए, वो सारा हम जो है उसका संज्ञान ले रहे हैं, और जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई तो चल ही रही है। आप अखबारों में भी देख रहे हैं, खासकर जो हमारा उत्तरी क्षेत्र है उसमें, तो आगे ये दोनों क्षेत्रों में कार्रवाई और तेज़ी से हो, इस पर हम पूरा ध्यान दे रहे हैं। क्या होता है कि हर चीज़ के लिए रूल बने हुए हैं, लेकिन कई बार क्या होता है कि समय के साथ साथ उसमें हम अपने आप ही कुछ ना कुछ ढिलाई देते हैं, तो इस पर भी एक संज्ञान लेके इस पर भी अभी एक लेटर इशू किया जाएगा पूरे डिपार्टमेंट्स में कि जो जो हमारे रूल्स हैं, खासकर उन शॉप्स के लिए जहाँ ये मांस बिकता है, उनको वहाँ जैसे सफाई का है, दुकान कितनी बड़ी होनी चाहिए, उसमें डिस्प्ले में क्या रहना चाहिए, इन सब पे जो है दोबारा से एक बार बोला जाएगा। पूर्वी दिल्ली के पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया में दिन दहाड़े बदमाशों ने स्कूटी सवार कारोबारी से 5 लाख रुपए लूट लिए। वारदात के समय पीड़ित कारोबारी पीत बिहार के एक बैंक से 5 लाख रुपए निकलवाकर गाजियाबाद की तरफ जा रहा था। स्कूटी उनका कजन चला रहा था और वो पीछे बैठे हुए थे। वह जब पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया थाने से महज 500 मीटर दूर टैलको रेड लाइट पर पहुंचे तो पीछे से 2 बाइक सवार आए। पिछली सीट पर बैठे युवक ने कारोबारी के हाथ से रुपए वाला बैग छीन लिया और बाइक आनंद विहार बस अड्डी की तरफ लेकर फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने झपटमारी का मामला दर्ज कर आगे की जाँच शुरू कर दी है। लोग बैंक से निकले और एक रेड लाइट पर हम पहुँचे, टाटा रेडको की जो रेड लाइट है पटपड़गंज इंडस्ट्रियल एरिया के पास में हम लोग खड़े थे, और हमें राइट मुड़ना था, तो लेफ्ट साइड से एक स्कूटी पे 2 बाइक सवार आए, उन्होंने मुझसे बैग छीना एंड बहुत बुरी तरह से मेरे को झटका दिया, मेरे हाथ में चोट लगी हुई थी ऑलरेडी, उसमें और तेज़ उन्होंने झटका दे के उससे बैग छीन के, और दे वो लोग वहाँ से आनंद विहार बस अड्डा है उस तरफ वो भाग लिए।
मेरे बैग में 5 लाख कैश था जो मैं विड्रॉल करके आ रहा था, और मेरा अपना सामान था पर्सनल, मेरा वॉलेट, मेरे डॉक्यूमेंट्स, सब कुछ उसमें था। ये घटना दिन में 1:30 के आसपास की घटना है, और 1:20 या 1:30 की घटना है बिल्कुल। मैम, क्राइम के बारे में तो मैं ज़्यादा इतना नहीं पता, लेकिन हाँ, ये फैक्टर मैंने अपने साथ जो घटना हुई उसके बाद देखे हैं। खुद इनकी जो साइट पे अगर आप जाएंगे तो आप वहाँ पे क्राइम रेट देख सकते हैं कि कौन से क्राइम का क्या रेट चल रहा है अभी, कितना ज़्यादा क्राइम जो है जुलाई 15 तक बहुत ज़्यादा बढ़ चुके थे। पूर्वी दिल्ली की जनता से पूछा गया है कि जुर्माना बढ़ने से नियमों के उल्लंघन होंगे या नहीं, तो जनता की मिली जुली प्रतिक्रिया सामने आई है। कुछ लोगों ने कहा कि जुर्माना बढ़ाने से ट्रैफिक रूल्स तोड़ने वाले सावधान रहेंगे, वहीं कुछ लोगों ने कहा कि इससे करप्शन बढ़ेगा, उल्लंघन करने वाले लोग नहीं रुकेंगे। वहीं 1,000 का चालान करवाने की जगह 100-200 रुपए में छुटकारा पाने की कोशिश करेंगे। देखो, इससे कम तो खैर क्या होगे, जो गलती करने वाले इंसान हैं वो गलती और ज़्यादा करेंगे, क्योंकि इन लोगों को मालूम है हमारा कुछ भी नहीं होता है। जब पहले हेलमेट के लिए कहते थे, हेलमेट भी आज भी आधे ज़्यादा आदमी जो है बिना हेलमेट के चलते हैं, ट्रैफिक वाले भी खड़े रहते हैं, सब कुछ होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी फिर भी देखते हुए निकल जाते एकदम से तेजी से। और अब तो ये है कि भाई जैसे अब ये पैसे बढ़ा रहे हैं, अब तो ये है कि भाई साथ के साथ उन्हों को ले और गाड़ी उनकी बंद करी जाए, और साथ ही साथ उन्हों का एक लाइसेंस जो है वो रद्द करा जाए, क्योंकि जब हमें डर लगता है हम लाइट 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 जंप नहीं करते, तो थोड़ा कम तो तोड़ेंगे, अगर चलान महंगे होंगे तो इसलिए। नहीं सर, उसमें तो कम होना चाहिए, हम लोगों को जहाँ 1,000 जान लग रहा है तो बहुत ज़्यादा लग रहा है। हम लोग 500 रुपये कमाने वाले आदमी, जहाँ 1,000 का चलान भर देंगे तो हम लोग क्या ले जाएंगे घर पे, बाल बच्चे क्या खाएंगे? पड़ेगा सर, क्यों पड़ेगा? जैसे जिसकी जेब में 100 है वो 600 कहाँ चलान भरेंगे भाई? कम होना चाहिए इसकी, रूल तोड़ना भी कम होना चाहिए इसके लिए। अगर उल्लंघन करेंगे तो चलान 1,000 का हो रहा पड़ेगा, वह चोरी चमारी करेंगे और उल्लंघन करेंगे और क्राइम बढ़ेगी। पूर्वी दिल्ली के जागृति इनक्लेव में सांसद गौतम गंभीर ने अपने संसदीय कार्यालय का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने पूर्वी दिल्ली का विकास कराने और जन समस्याओं का निपटान कराने का संकल्प लिया। इस उद्घाटन समारोह में बीजेपी के तमाम नेता और कार्यकर्ता वहां पर मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि पूर्वी दिल्ली की जनता ने जो विश्वास और अपेक्षाएं जताई हैं उन्हें हर हाल में पूरा किया जाएगा, विकास में कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, जन समस्याओं का निपटान प्राथमिकता से कराया जाएगा। इस दौरान सांसद ने सभी कार्यकर्ताओं से सदस्यता अभियान को जोर शोर से चलाने का आह्वान किया है। महिला को सशक्त और समृद्ध बने, इसके लिए हर किसी को कदम उठाने चाहिए। पूर्वी दिल्ली के आनंद विहार के बी ब्लॉक के एक पार्क में तीज के त्यौहार के उपलक्ष्य में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें तमाम महिलाओं ने हिस्सा लिया। महिलाओं ने मेहंदी लगाई, झूला झूला और सभी रस्मों को अदा किया गया। इस दौरान महिलाओं ने तीज के महत्व के बारे में हम सबको बताया है। ये तीजों के लिए, सावन की तीज होती है, लेडीज के लिए स्पेशल होता है, झूला झूलना, घेवर खाना, ये सब हमारा फेस्टिवल है। तीज के त्यौहार पे मेहंदी लगाती हैं, सुहागने झूलती हैं, खाती हैं, मौज करती हैं। सावन का महीना है, सबकी खुशी के लिए इसी बहाने सब मिल लेते हैं, नाच गाना, खाना पीना, गीत, सब हम यहाँ पे मिलकर इकट्ठे होते हैं। जितनी सुहागने हैं वो सब तैयार होती हैं, पूरा सुहाग का सामान पहनती हैं। शिव पार्वती की शादी का भी मनाया जाता है, और इस दिन जो है सारी सुहागने पूरा मेकअप करती हैं, मेहंदी लगाती हैं, अपने मांग भरती हैं, बाल धोती हैं, तैयार होती हैं, ये सब कुछ करती हैं। जितनी सुहागने, सुहागनों का व्रत होता है, ये मतलब पूजा होती है, पूजा है एक तरीके से और इंजॉयमेंट है। इस समय चारों तरफ हरियाली होती है, बरसात का मौसम होता है जब, और ना लेडीज़ मतलब जो औरतें होती हैं बड़ी खुश होती हैं, झूला डालती हैं अपने घर में, झूला झूलती हैं, व्रत रखती हैं और ये बायना वगैरह निकालती हैं। और पूर्व दिल्ली का अधिक जानकारी के लिए आप यूट्यूब पर जाकर CCN10 को सब्सक्राइब करें और फ्रेश अपडेट को लेते रहें। और फिलहाल पूर्व दिल्ली खास में इतना ही, बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए CCN के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।